अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुदस्सर अमीन। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आज हम मर्दाना तारकशी का डिज़ाइन बनाने लगे हैं। ये आप मर्दाना नेक बना सकती हैं, लेडीज़ के कुर्ते पर, दुपट्टे पर, जहाँ पे आपका दिल चाहे बना सकती हैं। हमने 1 इंच चौड़ाई में इसके धागे निकाले हैं और इनको ऐसे बांध लिया है। अब हम इसका ताना बनाएंगे। ताना बनाने के लिए यहाँ पर हम धागे को अटैच कर लेंगे ऐसे, और ऐसे धागे को करके हम चार चार धागों को पकड़कर ऐसे सेंटर में इसकी गिरा लगाते जाएंगे। ये देखो, और फिर हम यहाँ पर इसको निकाल लें। फ्रेम को हमने उल्टा कर लिया है और यहाँ पर धागे को हमने निकाल लिया है। ऐसे हम दोबारा इसको सेंटर से पक्का कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम इसको लगा कर फिर हम यहाँ से चार पकड़ेंगे और ऐसे आगे करके इसको फिर हम यहाँ से ऐसे गिरा लगा लेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से फिर हमने आगे किया और ऐसे ऐसा करके इसको पक्का करके फिर हम इधर ले जाएंगे। ये देखिए, ऐसे जहाँ तक हमने डिज़ाइन बनाना है वैसा वहाँ तक हम इसको बांध लेंगे। हमने देखो ये चार चार बांध लिए हैं। अब हमने इस पे ताना बनाना है। ताना बनाने के लिए ये देखिए, जब भी हम डिज़ाइन शुरू करेंगे, चाहे वो नेक डिज़ाइन हो या कोई भी, तो एक चार धागे छोड़कर जो चार आगे बांधे हैं उनमें से डिज़ाइन को शुरू करना है। ये देखो, इसके सेंटर में हमने धागे को पक्का कर लिया है। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे बाहर वाली साइड पर, ऐसा ऐसे अलग अलग इसको गिरा लगा लेंगे। यहाँ पर हमने बाहर वाली साइड पर ये देखो गिरा लगा ली है। अब हम फ्रेम को ऐसा कर लेंगे। ऐसा करने के बाद इसी धागे को ये देखिए, यहाँ पर यहाँ भी हम बाहर वाली साइड पर इसको लेके आएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे हम इसकी अलग अलग गिरा लगा देंगे। अलग अलग गिरा लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर सेंटर में आकर धागे को ऐसे पक्का कर देंगे और फ्रेम को फिर इस तरह कर लेंगे। अब फिर इतना सा गैप देकर फिर यहाँ पर ऐसे हम इनको अलग अलग धागों को पकड़कर ऐसे गिरा लगाते जाएंगे। और फ्रेम को घुमा लेंगे और यहाँ पर ले आएंगे। अब फिर हम यहाँ पर आ गए और इसको हमने ऐसे पक्का कर लिया। फिर हम तीसरी बार यहाँ पर ऐसा करके गिरा लगाते जाएंगे। इसी के पीछे ही ऐसे हम इसको ऐसे तीसरी बार भी यहाँ पर आकर हम इसको ऐसे पक्का कर लेंगे। और हमारा धागा कम है इसलिए इसको हम यहाँ पर नीचे निकाल लेंगे और धागा लगा लेंगे। दूसरी बार भी हमने यहाँ से शुरू करना है।
ऐसे पक्का करने के बाद ऐसे बाहर वाली साइड पर हम इसको ले आएंगे जैसे हमने पहले बनाया है वैसे ही बिल्कुल। ये देखिए इन धागों के ऊपर से ऐसे हम इसको गुलाई में ले जाएंगे। जहाँ से हमने शुरू किया है वहाँ पर ही हम इसको ले आएंगे दोबारा से। ये देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ पर ही ले आए हैं। अब इसके अंदर दो और ऐसे ही हम धागे गुजार देंगे। सॉरी ये दो धागे ही लगने हैं, मैंने गलती से पहले तीन लगा दिए, सॉरी माजरत चाहती हूँ। ये दो धागे ही हमारे लगेंगे, एक हमने लगाया उसके अंदर एक और लगा लिया है। ये जो तीन मैंने लगाए थे ये मुझसे गलती से हो गया, तो सॉरी गाइस, ये दो धागे ही लगेंगे। अब ऐसे ही आगे हम दो धागे और लगा, अब हम न्यू धागा लेंगे और यहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे ऐसे, और ऐसे करके हम इसको बाहर वाली साइड पर जैसे हमने ये पहले लगाया है सेम उसी तरह ही सारे धागों का ताना बनेगा हमारा यहाँ पर। यहाँ से ऐसे गुलाई में यहाँ तक ले आएंगे और फिर इसके पीछे एक और धागा लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे हम गुलाई में यहाँ तक ले आए। ये देखिए हमारा ताना बन चुका है, अब हमने इसको बस फिल करना है। फिल करने के लिए यहाँ पर हम धागे को ऐसे अटैच करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से ये दो दो धागे यहाँ तक ऐसे हमने इनको फिल कर देना, चांद बन जाएंगे ये ऐसे। ये देखिए जैसे हमने ये एक फिल किया है वैसे ही हम दूसरे भी ऐसे ही फिल कर लेंगे। तो प्यारी प्यारी गाइस देखिए हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है और माशाल्लाह
से कितना खूबसूरत लग रहा है। प्लीज़ मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।